Learn to respect others' choice and views. Everyone is right and capable in their own perspectives. So don't try to humiliate others' sentiments. That's a true motive of education. Good morning, everyone. Today we are going to learn Science Chapter 12, Insects. Let's know what are the features of insects. Insects have what we call an exoskeleton or a hard shell-like covering on the outside of its body. Insects ke body mein koi spinal cord nahi hota hai. In fact, insects ke body ke andar haddiya bhi nahi hoti hai. Unke body ke bahar ek sakht covering hota hai, jo insects ko kya karta hai? Protection deta hai. सुरक्षा देता है. इंसेक्ट्स हैव थ्री मेन बॉडी पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इंसेक्ट्स के शरीर में तीन प्रमुख हिस्सा होता है. क्या क्या होता है? हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है. इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ एंटेना ऑन टॉप ऑफ देयर हेड्स. इंसेक्ट्स के सर के ऊपर एक जोड़ा मतलब टू एंटेना होता है. इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स. इंसेक्ट्स के पास कितने लेग्स होते हैं? छह. थ्री पेयर्स मतलब तीन जोड़े, टोटल कितने हुए फिर? सिक्स. सिक्स लेग्स होते हैं. इंसेक्ट्स हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स. इंसेक्ट्स के पास कितने विंग्स होते हैं? चार. चार विंग्स होते हैं इंसेक्ट्स के पास. लेट अस नो मोर अबाउट हनी बीज. हनी बीज क्या होता है? मधुमक्खी. द बी इज एन इंसेक्ट. ये मधुमक्खी क्या होता है? एक कीड़ा होता है. इट हैज फोर विंग्स. मधुमक्खी के पास चार विंग्स होता है. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. मधुमक्खी बहुत ही परिश्रमी होते हैं. दे आर डिसिप्लिन्ड. मधुमक्खी अनुशासन का पालन करते हैं. द बीज लिव इन हाइव्स. ये मधुमक्खी जहां रहते हैं उसको हाइव्स कहते हैं. आप सब अपने घरों में हाउस फ्लाई देखे हैं? हाउस फ्लाई किसे कहते हैं? मक्खी को कहते हैं. चलिए आप हम लोग मक्खी के बारे में जानेंगे. हाउस फ्लाई इज द कॉमन फ्लाई ऑफन फाउंड इन हाउसेस. मक्खी को हम हमेशा हमारे घरों में देखते हैं. द लैटिन नेम ऑफ द हाउस फ्लाई इज मुस्का डोमेस्टिका. लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? मुस्का डोमेस्टिका. मक्खी का नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है लैटिन भाषा में. इच फीमेल फ्लाई कैन ले अबाउट 9,000 एग्स इन इट्स लाइफ. एक स्त्री मक्खी अपने जीवन काल में 9,000 अंडे देती है. इन सेवरल बैचेस ऑफ अबाउट 75 to 150. हर एक बार 75 to 150 तक अंडे दे सकती है. द एग्स आर लेट ऑन और नियर मीट ऑफ एन डेड एनिमल्स. मरा हुआ जानवर के शरीर के ऊपर या पास मक्खी अंडे देती है. लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट एन. एन के बारे में जानेंगे हम. There are more than 12,000 species of ants all over the world. 12,000 से भी ज्यादा प्रकार के चींटियां पाए जाते हैं. An ant can lift 20 times its own body weight. अपने शरीर के 20 गुना ज्यादा वजन ये ant ढो सकते हैं.
सम क्वीन एंट्स कैन लिव फॉर मेनी इयर्स, कुछ रानी चींटियां बहुत साल तक जीते हैं. एंट्स डोंट हैव इयर्स, चींटी के पास कान नहीं होते हैं. एंट्स हियर बाय फीलिंग वाइब्रेशन इन द ग्राउंड थ्रू देयर फीट, जमीन के कंपन को अपने पैरों से महसूस करके सुनते हैं ये चींटियां. When ants fight, it is usually to death. चींटियां आपस में तब तक लड़ते हैं जब तक लड़ाई में भाग लेने वाले कोई चींटी मारा ना जाए. Let's talk about bed bugs. Bed bugs किसे कहते हैं? खटमल को कहते हैं. A bed bug is a small, elusive, parasitic insect. ये बेड बग जो खटमल होता है एक परजीवी कीड़ा होता है. They live by feeding on the blood of humans and other warm-blooded animals. खटमल दूसरे गर्म खून वाले प्राणी का खून चूस के जीते हैं. बेड बग्स आर मेनली एक्टिव एट नाइट. खटमल जो होते हैं ये रात में सक्रिय होते हैं. एंड कैन फीड विदाउट पीपल नोटिसिंग, और ये जब खून चूसते हैं दूसरों का तो किसी को पता ही नहीं चलता. लेट्स टॉक अबाउट मॉस्किटोज. मॉस्किटोज किसे कहते हैं? मच्छर को कहते हैं. मॉस्किटोज कैन स्प्रेड मलेरिया, येलो फीवर एंड अदर सीरियस डिजीजेस थ्रू देयर बाइट्स. मच्छर के काटने से मलेरिया, येलो फीवर और अन्य बीमारी हो सकते हैं. अ मॉस्किटो हैज अ सॉफ्ट बॉडी विथ अ हार्ड कवर कॉल्ड एन एग्जोस्केलेटन. मॉस्किटो जो होता है मच्छर के नरम शरीर को एक सख्त खोल के माध्यम से प्रोटेक्शन मिलता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन. इट हैज टू नैरो विंग्स. मच्छर के पास दो पतले पतले विंग्स होते हैं. टू एंटेनास, दो एंटेना होते हैं. एंड सिक्स लॉन्ग लेग्स, और छह लंबे पैर होते हैं. सो टुडे वी लर्न्ड अबाउट इंसेक्ट. थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे. बाय बाय.